आरसीबी और कोलकाता के मुकाबले में सामने आया नया किंग। एक तरफ थे बॉलीवुड के बादशाह तो दूसरी तरफ था क्रिकेट का किंग। केकेआर के प्रदर्शन के आगे आरसीबी हुई ढेर, शाहरुख को मिली किंग की उपाधि। बीते कुछ दिनों पहले विराट कोहली और शाहरुख खान को लेकर बेहतर किंग होने की होड़ मच गई थी। ट्विटर पर दोनों के फैंस एक दूसरे से ही आपस में लड़ बैठे थे। कुछ लोगों ने शाहरुख खान को असली किंग बताया, जबकि कुछ का मानना था कि विराट कोहली ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए असली किंग का दर्जा सिर्फ विराट कोहली को मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार आज के मुकाबले में फैसला होना ही था, क्योंकि विराट कोहली और शाहरुख खान आमने सामने थे। केकेआर और आरसीबी की टीम का यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया था और अपनी टीम का हौसला अफजाई करने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान खुद पहुंचे थे। शाहरुख की केकेआर ने वाकई में दिल जीत लेने वाला प्रदर्शन कर दिखाया। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, लेकिन गुरबाज ने 57 रनों की शानदार पारी खेल टीम के एक छोर को संभाले रखा। तो वहीं रिंकू सिंह ने भी सभी का दिल जीतते हुए 40 रनों की पारी खेल डाली। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता शार्दुल ठाकुर ने। 29 गेंदों में नाबाद 70 रन ठोक अपनी टीम को 204 रनों के पहाड़ सम्मानित स्कोर तक पहुंचा दिया। अब आ रही थी क्रिकेट के किंग को अपना जलवा दिखाने की। शुरुआत में कुछ शानदार शॉट जरूर मिले, लेकिन सुनील नारायण की गेंद पर 21 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और उसके बाद आरसीबी की टीम का मनोबल ऐसा टूटा कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर रुक ही नहीं सका। शाहरुख खान अपनी टीम के शानदार खेल को देख काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे और आरसीबी की टीम को महज 123 रनों पर ही समेट दिया। और उसके बाद शाहरुख खान के फ्रेंड को मौका मिल गया और उसके बाद शाहरुख खान के फैंस को मौका मिल गया विराट कोहली को ट्रॉल करने का। शाहरुख के फैंस सरेआम विराट कोहली के फैंस को नीचा दिखा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं आखिर असली किंग कौन है, इस बात का तो सभी को पता लग ही गया होगा। शाहरुख की टीम ने विराट कोहली को चारों खाने चित कर दिया और शाहरुख ने अपनी बादशाहत भी पेश कर दी। बहरहाल आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।